आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल नवभारत के सवाल पर दत्तात्रेय ने कहा कि कुछ लोग देश की छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। सीधा निशाना राहुल गांधी पर था। आरएसएस पर सवाल उठाए, राहुल पॉलिटिकल एजेंडे से चलते हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि राहुल को और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। जिस तरह की बयानबाजी वो बाहर जाकर करते हैं उसे बचना होगा। मेरा नाम रविकांत राय है, मैं टाइम्स नाउ नवभारत से हूँ। मेरे दो सवाल हैं सर। आपने जिक्र भी किया कि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाकर भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, और खासतौर पर संघ को लेकर राहुल गांधी ने हाल के दिनों में मुस्लिम ब्रदरहुड, फांसीवादी संगठन जैसी बातें कही हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या संघ की शाखाओं में जो महिलाओं की एंट्री की बातचीत हो रही, जिस पर विचार चल रहा था, इस बैठक में कोई फैसला हुआ है क्या? पहले विषय के बारे में कहता हूँ, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते यू शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबिली एंड सी द रियलिटी। महिला सहभागिता के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि शाखा में महिला, ये संघ में हमने चर्चा नहीं की। मीडिया में चर्चा बहुत लोगों ने की होगी, हमने नहीं की। संघ के शाखा प्रत्यक्ष जो होता है वो पुरुषों के एक्टिविटी है। सुबह 5:30 बजे इकट्ठे होते हैं, शाम को 8 बजे इकट्ठे होते हैं। पुरुषों के कार्यक्रम चलते हैं, वहां खेल होता है, ड्रिल होता है, दंड करते हैं, तो स्वाभाविक है उसको हमने पुरुषों को किया। तो महिलाओं के लिए चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति इसी प्रकार के कार्य वो भी करती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रविकांत, लगातार राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर जो है हमले सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। खुद दत्तात्रेय होसबोले की ओर से कहा गया कि जिम्मेदारी राहुल गांधी को दिखानी चाहिए, क्या वाकई में इसकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आखिरी दिन था और दत्तात्रेय होसबोले संबोधित कर रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि संघ और भारत को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर बयान दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर संघ ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के जो पूर्वज, जो उनके पहले दादा परदादा रहे हैं, उन्होंने भी संघ पर इस तरीके की टिप्पणी की है, लेकिन वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं और राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उनको थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए और कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए कि आखिरकार वो किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। हमारी कोई राजनीतिक उनके साथ कंपटीशन नहीं है, हम राजनीति में नहीं है। बावजूद इसके, समाज में रहने के नाते जो कोई भी संगठन अपना काम करता है तो उसे जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों का निर्वहन करना चाहिए। राहुल गांधी पर संघ का सीधा पलटवार है कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और इस तरीके की बातें वो कहते हैं, इसलिए जनता भी लगातार उनको चुनाव में उनका हश्र जो है वो बता रही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को क्यों नकारा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ में, क्योंकि जो अभी फिलहाल हालात कांग्रेस के बने हुए हैं और इसी को लेकर बार बार उन पर निशाना भी साधा जाता है।